जिले के विविध विकास कार्य अटके हुए प्रकल्पों के संदर्भ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में यहाँ के आला अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। सभी अधिकारियों से सिटी व जिले के अटके व प्रस्तावित विकास कार्यों के प्रस्ताव के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी। बैठक में कुछ प्रस्ताव के लिए निधि की मांग भी की गई तो कुछ को मंजूरी के लिए पेश किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए सामग्री खरीदी, अग्निशमन केंद्र, मनपा टाउन हॉल, बालासाहेब ठाकरे सांस्कृतिक भवन, देवड़िया हॉस्पिटल, नंदग्राम प्रकल्प और नरसाला हुड़केश्वर, बुनियादी सुविधा कार्य, मालवाहिका प्रबंधन आदि कार्यों के लिए 1,506 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके लिए पूरक मांगों में प्रावधान कर लिया जाएगा। नया जिलाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त और तहसील कार्यालय की ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए नए कार्यालय के निर्माण की प्रस्तुति भी की गई है। यह प्रकल्प प्रशासनिक मान्यता के लिए भेजने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिए हैं। NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मुहुड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।